ASN24 पल पल की खबर। नमस्कार, मैं हिमानी सिंह और आप देख रहे हैं ASN24। अब चलते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की तरफ। कोरबा जिले के ग्राम झाबू में एक ग्रामीण के घर के आंगन पर विलुप्त प्रजाति का इंडियन स्टार्टर्स नामक कछुआ पहुंचा। जैसे ही ग्रामीणों की नजर उस विलुप्त प्रजाति के कछुए पर पड़ी तो उसे भगवान विष्णु का अवतार मानकर वे पूजा पाठ शुरू कर दिए। कई बार विलुप्त प्रजाति के जीव जंतु लोगों के लिए कौतूहल का विषय बन जाते हैं और जब ऐसे जीव जंतुओं से लोगों का सामना होता है तो उसे देव मानकर पूजा पाठ शुरू कर दी जाती है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है कोरबा जिले के ग्राम छाबू में, जहां एक ग्रामीण के घर के आंगन में विलुप्त प्रजाति का इंडियन स्टार टर्टिस नामक कछुआ जा पहुंचा। जैसे ही ग्रामीण की नजर उस विलुप्त प्रजाति के कछुए पर पड़ी, उसे भगवान विष्णु का अवतार मानकर उससे पूजा अर्चना शुरू कर दी गई। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम ग्रामीण के घर जा पहुंची और कछुए को वन विभाग के सुपुर्द करने की बात कही। ग्रामीणों ने एक दिन का समय मांगा है ताकि वे कछुए की पूजा अर्चना कर सके। ग्रामीणों की भावनाओं को समझते हुए वन विभाग की टीम ने उन्हें पूजा अर्चना करने का अवसर दिया। अब वन अधिकारी कछुए को सुरक्षित स्थान पर भेजने की तैयारी कर रहे हैं। यह पूरा मामला कटघोरा वन मंडल के ग्राम छाबू का है, जहां रहने वाले ग्रामीण मंदबोध जब सुबह अपने आंगन में पहुंचा तो उसकी नजर एक कछुए पर पड़ी। वह कछुए की पीठ पर स्टारनुमा निशान देखकर चौंक गया। उसने आंगन में कछुआ होने की जानकारी अपने परिजनों को दी। दूसरे कछुए से अलग कछुआ देखकर वे इस कछुए को भगवान मान बैठे और उन्होंने कछुए को पकड़कर पूजा आराधना शुरू कर दी। यह खबर देखते ही देखते पूरे गांव में फैल गई। ग्रामीण कौतूहलवश मनबोध के घर पहुंचने लगे। जब ग्रामीणों को भी अलग तरह का कछुआ दिखा तब वे भी कछुए को भगवान विष्णु का कछ अवतार मानकर पूजा अर्चना शुरू कर दिए। अजीबोगरीब कछुआ मिलने व पूजा पाठ की खबर आसपास के क्षेत्र में फैल गई। किसी ने मामले की सूचना वन विभाग को दे दी। वन अफसर मातहत कर्मियों के साथ ग्रामीण के घर जा पहुंचे। उन्होंने कछुआ का निरीक्षण किया। वन अफसरों ने इंटरनेट से कछुए की प्रजाति को खंगालना शुरू किया, जिससे ग्रामीण के घर मिले कछुए की पहचान विलुप्त प्रजाति इंडियन स्टार टर्टिस के रूप में हुई। इस प्रजाति के कछुए की घटती संख्या को देखते हुए इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर संस्था ने कछुए को लुप्त प्राय वन्य प्राणी के श्रेणी में डाल रखा है। इसके पालन में विक्रय करने पर पूरी तरह प्रतिबंध है। वन अधिकारियों की माने तो इस प्रजाति का कछुआ भारत के अलावा श्रीलंका और पाकिस्तान में भी पाया जाता है। मैं घर ले उठे बिहान सब बिहान पाए ओकर पूजा करत हूँ। आप अपन के घर में आगिरी से? हाँ, वंगना में। तो मैं हाँ वाला पूजा करा था ओकर भगवान ने। अच्छा, कल पहले ऐसा कछुआ नहीं देखे रहा? हाँ हाँ, नहीं देखे रहे। तो ये अफ्रीकन कछुआ है, इसको आप मोबाइल सर्च कर देखे तो निकला है, ये अफ्रीकन कछुआ का प्रजाति है। इसका नाम है स्टार टर्टिस। तो सर ये बताएंगे इसको क्या, अभी ये जो ग्रामीण लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, ये लोग साधक नजर देख रहे हैं, तो क्या ये अभी वन्य प्राणी को सौंपेंगे क्या? अभी इन लोग इनका कहना कल सौंप देंगे, हम लोग आज पूजा पाठ कर लेते हैं। हाँ, कल हम लोग सौंप देंगे बोल रहे हैं। कहाँ मिला बोल रहे हैं? इनका कहना है कि हमको यही मिला, मतलब मांगा नहीं मिला बता रहे हैं। गांव में विलुप्त प्रजाति के कछुए पाए जाने की जानकारी वन विभाग की टीम ने अपने आला अफसरों को दी। अफसरों ने दुर्लभ प्रजाति के कछुए को कब्जे में लेने के निर्देश दिए, जिसके बाद वन कर्मियों ने ग्रामीण से कछुए को वन विभाग को सौंपने की बात कही। आस्था में डूबे ग्रामीणों ने कछुए की पूजा अर्चना करने के लिए एक दिन का समय मांगा है। ग्रामीणों की भावनाओं को देखते हुए वन विभाग की टीम ने भी वापस लौट आई। अब अगली सुबह वन विभाग की टीम कछुए को कब्जे में लेगी, जिसके बाद उसे अफसरों के निर्देश पर सुरक्षित स्थान पर भेजा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ASN24 न्यूज़।